हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि अगर किसी चीज की कोई अच्छाई होती है तो कुछ ना कुछ उसमें बुराई भी होती है, तो उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप भी बहुत आसानी से इसको लिख पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से सुन लेते हो तो। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, एक नो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बीकॉम कोर्स की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी नोट्स अवेलेबल हैं। जिनको भी नोट्स चाहिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिलता है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। दूसरा है एक्सपेंसिव होता है ये। तीसरा है कंफ्यूजन ओवर लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, लैक ऑफ साउंड एडवाइस फ्रॉम स्टाफ, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग लाइन मैनेजर्स, है ना? तो ये पांच पॉइंट्स है, एक एक करके हम इनको करेंगे। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑफिशियल इट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि लाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से बीच बीच में यू नो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बातचीत बढ़ जाती है, काम ठीक तरीके से हो नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टाफ मैनेजर्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर एडवाइसेस आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, है ना? तो कई बार वो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि जो लाइन मैनेजर्स हैं वो उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। मतलब जो भी स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं, जो एडवाइसेस वो देते हैं, उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो लाइन मैनेजर्स का है, मैनेजर्स का है, तो वो उनकी बातों को दरकिनार करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम निकल करके आती है। ऑन द अदर हैंड, लाइन मैनेजर्स कंप्लेन दैट स्टाफ डज नॉट गिव साउंड एडवाइस एज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज फॉर लाइन, है ना? ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे तरफ की बात करें तो मैनेजर ठीक इसका उलट बोलते हैं। मैनेजर्स कहते हैं कि स्टाफ से हमें ठीक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण से हम ठीक टाइमली डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, और उनका काम यही है, फिर भी वो अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंसिव। तो जी हाँ, ये जो वर्क होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है बाकी सबके टाइप के मुकाबले में। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रूव टू बी कॉस्टली फॉर स्मॉलर फर्म्स एज इट एक्सपेंसिव टू हायर स्पेशलिस्ट ड्यू टू द हाई रेमुनरेशन। तो हाई रेमुनरेशन होने के कारण आप स्पेशलिस्ट हायर नहीं कर सकते, या करते भी हो तो वो आपकी कंपनी के लिए, अगर आप स्मॉल कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। आपको बहुत खर्च पे करना पड़ेगा किसी को अपॉइंट करने के लिए, राइट? तीसरा है कंफ्यूजन ओवर लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटीज आर फॉलोइंग साइमल्टेनियसली विच मे कंफ्यूज द वर्क एज टू हुम दे शुड ओबे, है ना? तो यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या हो रहा है कि लाइन अपना स्टैंड बाई पे है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा जो है काम कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज स्टाफ ने कुछ बोला, स्टाफ जो मैनेजर है उसने कुछ बोला, और ऊपर से फिर लाइन मैनेजर ने भी कुछ बोला, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप किसको फॉलो करोगे, आप किसको ओबे करोगे, है ना? तो इसके कारण से कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है इस चीज में, कि अथॉरिटी को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम किसकी बात माने, क्योंकि मैक्सिमम जो काम है वो स्टाफ मैनेजर का होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो डिसीजन है वो ऊपर से आते हैं समटाइम्स, लेकिन उनको ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने हिसाब से उसको डिसीजन को ले सके। अब सपोज स्टाफ ने कुछ बोला और लाइन ने कुछ और बोला तो फिर दिक्कत होगी, तो कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। Also, line managers may consider themselves superior to staff to which they may object, है ना? तो ऐसा भी होता है कि जो line manager है वो खुद को superior समझते हैं staff manager के मुकाबले, और वो superior होते भी हैं, to be honest, होते हैं। But ऐसा consider करना, ये अपने मन में ये proudness या अहंकार आना, ये सही नहीं होता। This may pose hurdle in effective functioning of the organization. और इसी के कारण से जो functioning है organization की, उसमें दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो confusion over line and staff authority ये निकल के आती है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ साउंड एडवाइस फ्रॉम स्टाफ। ऐसा देखने को मिलता है कि स्टाफ स्पेशलिस्ट अगर सही तरीके से जानकारी, सही एडवाइस अगर यू नो लाइन मैनेजर तक ना पहुंचाए, मैनेजर तक ना पहुंचाए, तो कंपनी के लिए वो घातक साबित हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। बहुत तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो स्टाफ स्पेशलिस्ट मे नॉट गिव साउंड एडवाइस एज दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर आउटकम, है ना? स्टाफ स्पेशलिस्ट समटाइम्स क्या करते हैं कि जानबूझ के लाइन मैनेजर से अगर उनका कोई पंगा हो गया तो वो जानबूझ के आप तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, ताकि कुछ गलती हो, अब कुछ गलती होगी तो अकाउंटेबल किसको ठहराया जाएगा? अकाउंटेबल ठहराया जाएगा लाइन मैनेजर को। ठीक है ना? तो ऐसा देखने को मिलता है कि स्टाफ स्पेशलिस्ट जो है वो सही एडवाइस नहीं देते हैं, जिसके कारण से दिक्कत होती है, और चूंकि वो अकाउंटेबल नहीं है इस काम को लेकर के, इसलिए वो करते भी नहीं है, राइट? ये देखने को मिलता है।
एट टाइम ओवर रिलायंस ऑन द स्टाफ में ऑल्सो प्रूव फेटल एज स्टाफ मैनेजर्स मे गिव रॉन्ग एडवाइस, है ना। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, देखा गया है कि स्टाफ मैनेजर जो है वो गलत जानकारी देता है, रॉन्ग एडवाइस देता है, जिसके कारण से कंपनी के लिए भी वो फेटल हो सकता है, कंपनी भी उसके कारण से बंद हो सकती है। दे मे बी इनफेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ कमांड अथॉरिटी। अब इसके मामले में ये भी बात बोली गई है कि अगर कमांड अथॉरिटी नहीं होगी, मैनेजर अगर उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेगा तो आपके लिए सही नहीं होगा और वो इनफेक्टिव भी हो सकता है। पांचवा नंबर पॉइंट है डिससेटिस्फेक्शन अमंग लाइन मैनेजर। अब स्टाफ मैनेजर अगर लेकर क्या हो गया तो लाइन मैनेजर को डिससेटिस्फेक्शन होगा ही होगा। उसको लगेगा कि सामने वाला बंदा मुझे ठीक तरीके से एडवाइस नहीं कर रहा, जानकारी मेरे पास नहीं आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं, तो लाइन मैनेजर एक तरीके से डिससेटिस्फाइड रहता है। सो इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ मे स्टील द शो फॉर हायर रिटर्न्स, है ना। ऐसा देखने को मिलता है कि स्टाफ जो है वो ज्यादा रिटर्न्स के लिए वो क्या करता है, पूरी की पूरी चीजें जो है किसी के साथ शेयर कर देता है, वो या वो लाइन मैनेजर के पास ना जाकर के किसी और को रिपोर्ट कर देता है चीजें, तो वो ज्यादा अच्छे नजर में आने लगता है ना, तो उसको वो चीजें बेनिफिट मिल सकती हैं, हो सकता है कि उसको मैनेजर बना दिया जाए, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। दिस में लीव लाइन मैनेजर डिससेटिस्फाइड, उसके कारण से जो लाइन मैनेजर है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता और उसको डिससेटिस्फेक्शन फील हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।